भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, प्रतिपक्ष के नेता कटारिया साहब, उपनेता राठौड़ साहब और सभी सम्माननीय साथी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कोरोना संक्रमित होने के बावजूद जिस रूप में राजस्थान के लोगों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हमारा संपूर्ण प्रशासन रात और दिन जिस तरीके से लोगों की खिदमत में लगा हुआ है, उसके लिए मैं उन सब के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। 24/7 इलाके में काम करते हुए राजस्थान के किसी भी जिले में काम पड़ा हो तो हर जिले में, चाहे जयपुर के कलेक्टर हो, पाली के कलेक्टर हो, सिरोही के कलेक्टर हो, उदयपुर के कलेक्टर हो, चाहे हमने फोन पर उनको काम बताया हो, चाहे हमने टेक्स्ट भेज के बताया हो, चाहे व्हाट्सएप भेज के बताया हो, हर पेशेंट के लिए उनका पूरा सहयोग मिला। और मैं कह सकता हूं कि इस कठिन घड़ी में जिस मुस्तैदी से प्रशासन लोगों की देखभाल कर रहा है, मेरे लिए आभार व्यक्त करने के शब्द नहीं है। इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये ऐलान कर दिया कि हम कोरोना से जीत गए, और वही घड़ी थी जबकि देश के लोगों के लिए ये सफरिंग का रास्ता शुरू हो गया, इन्फेक्शन का रास्ता शुरू हो गया, मौतों का रास्ता शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई। होना तो ये चाहिए था कि मुख्य सचिव महोदय ने राजस्थान की जिन कठिनाइयों का जिक्र शुरुआत में किया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जवाब में आता कि उन सारी कठिनाइयों का समाधान हम इस रूप में करेंगे और राजस्थान के लोगों को आने वाले वक्त में किसी तरह की कठिनाइयों नहीं हो सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व को भी सीखना चाहिए, ये सदाशयता दिखानी चाहिए और वहां भी सर्वदलीय संवाद होना चाहिए। हुआ क्या, प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, उनका किस तरीके से तिरस्कारपूर्ण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कितना मतलब एक तिरस्कृत रवैये से उसका जवाब दिया। ये चीजें अच्छी नहीं है, ये वैश्विक महामारी है और संपूर्ण देश के लोगों की देखभाल का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। अभी मैं प्रतिपक्ष के उपनेता का वक्तव्य सुन रहा था, आपके केंद्रीय मंत्री राजस्थान में आकर के ये वक्तव्य देते हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो राजस्थान से सांसद है वो ये वक्तव्य देते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, वैश्विक महामारी कभी स्टेट सब्जेक्ट होती है। मैं आपके माध्यम से ये विनती करना चाहता हूं, इस कठिन समय के अंदर लोगों की हिफाजत का दायित्व संभाल है। पीएम केयर फंड, वेंटिलेटर का इश्यू आपने बताया, अब वेंटिलेटर सिरोही में वेंटिलेटर हॉस्पिटल में पड़े हैं, लगाने की कोशिश की, 50 ऑक्सीजन लेवल तक रीच नहीं होता, इतने घटिया क्वालिटी के हैं, और फिर इतनी बड़ी संख्या में आप वेंटिलेटर भेज रहे थे, तो आपको पहले ये देखना चाहिए था कि राजस्थान में हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया के डॉक्टर कितने उपलब्ध हैं। अगर उतनी उस संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे तो वेंटिलेटर के माध्यम से लोगों को सर्व कैसे कर पाए। और फिर 35,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट में वैक्सीन के लिए प्रावधान किया हुआ है, आप स्टेट से पैसा मांग रहे हो, वैश्विक महामारी के अंदर पैसा मांग रहे हो, क्या इतिहास से हम लोग कुछ भी नहीं सीखना चाहते। इसलिए और जो ये ऑक्सीजन का इश्यू है, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ये इसको शॉर्ट आउट करो, लोगों की जान बचाओ, जिससे जो वीक से लोगों ने दिल्ली की हुकूमत में बिठाया है, अब ये 20,000 करोड़ रुपए का वहां पर सेंट्रल विस्ता बना रहे, मोदी महल बना रहे, इस कठिन समय में वहां पैसा लगाना जरूरी है या वैक्सीन के लिए पैसा देना जरूरी है। अपने नेताओं पर जाकर के सच कहने की थोड़ी हिम्मत जुटाओ। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनती करना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन लगाया गया है, कमजोर वर्ग का आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दूसरी कठिनाइयों में पड़ जाएगा, उसके पास खाने को नहीं रहेगा। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया स्कूल की फीस भरने का, ईएमआई की एक किस्त मिडिल क्लास का आदमी एक दिन नहीं भरता है, एक दिन डिले हो जाता है, 5-5 बार बैंक के फोन आ जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा
कि जिन जिलों के अंदर पेशेंट कम है, पेशेंट कम आ रहे हैं, उन जिलों में आप उसे खोलने का रास्ता सोचिए और आप तय करिए, नागरिक समितियों के माध्यम से तय करिए कि कितने बजे बाजार खुलेगा, किस उम्र का आदमी कितने बजे से कितने बजे बाहर आएगा, क्योंकि जिन लोगों को दो वैक्सीन लग गई वो भी संक्रमित हुए, दो वैक्सीन लग गई वो उनकी भी डेथ हुई। इसलिए हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आने वाले कितने समय तक हमें इस वैश्विक महामारी को झेलना पड़ेगा। मैं विनती करना चाहूंगा मेरे जिले के लिए।